शॉर्ट टर्म के मजे के लिए, शॉर्ट टर्म के आनंद के लिए, शॉर्ट टर्म की खुशी के लिए, मुस्कुराहट के लिए अपनी लॉन्ग टर्म की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या अच्छी बात है? इसकी बजाय क्यों ना शॉर्ट टर्म का एक दर्द ले लिया जाए, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए हमारी लाइफ सदा ही मुस्कुराती हो जाए। बहनों याद रखना, सारी दुनिया की बोलती बंद करने का अगर कोई हथियार है तो वो है शिक्षा, वो है आपका टैलेंट, और आज की भाषा में बोलूं वो है पैसा। जिनको भी आप में कमियां नजर आती है ना, एक मेरी दिल्ली में हमारी टीम के मेंबर हैं, थोड़ा सा रंग सांवला है उसका, तो एक रिश्ता आया उसके पास शादी के लिए, तो लड़का बोलता सो कि तुम्हारा रंग बहुत मुंह पे सीधा, तुरंत पहली बार देखते ये मेरे को फोटो में ऐसा नहीं था, सीधा है तुम्हारा रंग तो बहुत सांवला है, मेरे को नहीं शादी करनी, ऐसे करके उठा। उस लड़की की अब लगी सरकारी नौकरी, 60-62 हज़ार रुपये में नाम लिखाना शुरू कर उसका, पक्की जो टीचर बन जाएगा। उसी लड़के का खुद से रिश्ता है 4-5 दिन से, उसको वही लड़की गुटी नजर आनी शुरू की। वो लड़की ने पता क्या जवाब दिया, मेरी जुत्ती भी नहीं आएगी शादी करने। समझ रहे हैं बात को? क्या जीवन का लक्ष्य यही है? बस यही जीवन है, अपने अंदर की सुंदरता को पहचानना। और जिसने अपने अंदर की सुंदरता को पहचान लिया, वो पर नहीं तो गोरा रंग दो दिन में, गोरा रंग, रंग से क्या, रंग तो चमड़ी का रंग है, क्या फर्क पड़ना है? कुछ लोग बाल बाते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, जब जलने को जाएंगे ना सबसे पहले यही जलेंगे। समझ रहे हैं? काहे को पागल है? नहीं, लुक्स डजंट मैटर। बहनों याद रखिएगा, देखो पहले के टाइम में पर्सनैलिटी का क्या मतलब समझा जाता था, व्यक्तित्व किसे कहते थे? व्यक्तित्व तीन चीजों से मिलकर बनता है, गुण कर्म स्वभाव। हमारे गुण कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से, हमारा स्वभाव कैसा है। और आज के टाइम में हम क्या कहने लगे, पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज कैसी है, हमारे कपड़े कैसे हैं, और एटीट्यूड। क्या मूर्ख है? नहीं,